बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोलॉग में जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लेंथ ही हमें कैलकुलेट करनी है लिस्ट की, लेकिन एक नया मेथड है जनाब यहाँ पे, एक्यूमुलेटर मेथड। एक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं? एक्यूमुलेटर सिंपल वेरिएबल्स होते हैं जो कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को होल्ड कर रहे होते हैं, यहाँ तक के फाइनल रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं। तो जो प्रेडिकेट हम डिफाइन करने जा रहे हैं एक्यूमुलेटर लेंथ, उसके तीन आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले वो लिस्ट जिसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है, और सेकेंड है हमारे पास जो हमें लेंथ पता चलेगी लिस्ट की, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन करके रखेंगे, और थर्ड हमारा वो एक्यूमुलेटर होगा जी, जो के दरमियान में कीप ट्रैक करता रहेगा इंटरमीडिएट वैल्यूज के। जैसे जैसे हम लिस्ट को डिवाइड करते रहेंगे तो उसकी लेंथ में इजाफा होता चला जाएगा। तो एक्यूमुलेटर जो है वो कैलकुलेशन के लिए रखा हुआ है। अच्छा, अब ये काम कैसे करेगा कि इनिशियल वैल्यू जो होगी एक्यूमुलेटर की वो क्या होगी? जीरो, ठीक है। एड वन टू एक्यूमुलेटर ईच टाइम वी कैन रिकर्सिवली टेक द हेड ऑफ अ लिस्ट। अगर हम कामयाब हो जाते हैं लिस्ट में से उसका हेड निकालने में, तो हम एक्यूमुलेटर में वन ऐड कर देंगे, ठीक है। कामयाब होने का क्या मतलब है? जाहिर बात है कि जब लिस्ट में एक एलिमेंट भी होगा तो हम उसमें से हेड निकाल सकते हैं, लेकिन एम्प्टी लिस्ट में से हम कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। आपको याद होगा, आप लिस्ट वाला मेरा टॉपिक देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो एम्प्टी लिस्ट होती है वो हेड और टेल में डिवाइड नहीं हो सकती, समझ गए आप? तो जब एम्प्टी लिस्ट तक हम पहुंचेंगे, व्हेन वी रीच द एम्प्टी लिस्ट, द एक्यूमुलेटर कंटेन्स द लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो बढ़ते बढ़ते फाइनल लेंथ एक्यूमुलेटर में आ जाएगी जब हम एम्प्टी लिस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास सूरत हाल ये है कि ये है हमारे पास लिस्ट, ये एक्यूमुलेटर है और ये फाइनल लेंथ। तो जब लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी ना, तो हम जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वही लेंथ वेरिएबल को सप्लाई कर देंगे। अभी आप देखिएगा इसको मैं कैसे चेंज करता हूँ अगली स्लाइड में। अच्छा, अब इसको यही समझिए, आपके लिए समझने के लिए आसान है। तीन आपको बताए थे ना आर्ग्यूमेंट्स, एक लिस्ट हो गया, एक एक्यूमुलेटर, और एक जो है वेरिएबल जो कि होल्ड करेगा लेंथ ऑफ द लिस्ट। अच्छा, अब हमने क्या किया कि अगर लिस्ट खाली नहीं है तो उसके दो हिस्से कर दिया, एक उसमें से एलिमेंट निकाल लिया हेड के तौर पे और बाकी लिस्ट को छोड़ दिया, ठीक है। ओल्ड एक्यूमुलेटर की क्या वैल्यू है, यानी अभी तक हमारे पास कितनी लेंथ कैलकुलेट हो चुकी है, और ये वही वेरिएबल है लेंथ का जो साथ साथ चलता रहेगा जैसे जैसे हम नई कॉल करते रहेंगे। अच्छा, न्यू एक्यूमुलेटर हमारे पास ये दरमियानी वेरिएबल है, जो ओल्ड एक्यूमुलेटर हमें हासिल होगा उसमें हम वन प्लस कर देंगे, क्योंकि देखें जब हमने लिस्ट में से एक हेड अलग कर लिया तो इसका मतलब है कि अब लिस्ट की लेंथ में एक का इजाफा हो गया, तो एक्यूमुलेटर जो है उसकी वैल्यू, न्यू एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओल्ड एक्यूमुलेटर प्लस वन। अब हम दोबारा जो लिस्ट बाकी बची है हमारी एल, और उसके साथ और न्यू एक्यूमुलेटर यानी जो वन प्लस हो गया ओल्ड के साथ और लेंथ के साथ, दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर लिस्ट खाली हो गई, वेल एंड गुड, जो भी एक्यूमुलेटर में पड़ा होगा वो लेंथ को सप्लाई कर देंगे, नहीं तो फिर हम इससे बकरे शुरू करेंगे, हेड निकालेंगे, ठीक है, ओल्ड एक्यूमुलेटर को यूज करते हुए न्यू एक्यूमुलेटर की वैल्यू डिफाइन करते हुए वापस इसको कॉल करेंगे। तो जनाब, एड वन टू द एक्यूमुलेटर ईच टाइम वी टेक ऑफ अ हेड फ्रॉम द लिस्ट। जैसे ही हम तन से सर को जुदा कर देंगे, है, टेक ऑफ अ हेड, तो जब हम हेड निकाल लेंगे लिस्ट में से तो एक्यूमुलेटर में हम वन ऐड कर देंगे, और जब हम खाली लिस्ट तक पहुंचेंगे तो जो एक्यूमुलेटर होगा वही डिटरमिन करेगा लेंथ ऑफ द लिस्ट की किस्मत क्या है। जी जनाब आली, तो हमारे पास ये तीन एलिमेंट्स हैं लिस्ट में। इनिशियल हमारे पास एक्यूमुलेटर जीरो है, जाहिर बात है जब अभी कार्रवाई शुरू हुई है तो हमारे पास जो एक्यूमुलेटर को हमने इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, और ये हमारा लेंथ वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, तो आंसर आपको पता है कि प्रोलॉग उसी की टर्म्स में देगा जो वेरिएबल होगा, तो लेंथ इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे थ्री एलिमेंट्स हैं लिस्ट में। अच्छा, ये क्या हो गया? ये तो वही है बिल्कुल जैसे पीछे हमने देखा था, लेकिन ये क्या तब्दीली हो गई? वो कहाँ चले गए? लेंथ इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर, यहाँ भी एक्यूमुलेटर आ गया, यहाँ भी एक्यूमुलेटर आ गया, ये जबरदस्त कार्रवाई की है हमने जी। यानी जब लिस्ट खाली हो जाएगी तो ये दरमियान वाली फील्ड जो है ये तो मुस्तकिल अपडेट हो रही है ना, और इसका नाम भी हमने वही कर दिया। तो जब लिस्ट खाली हो जाएगी तो इसमें जो वैल्यू पड़ी होगी वही इसको मिल जाएगी, जी जनाब, वही वैल्यू इसको मिल जाएगी। और आप जब इसको प्रिंट करेंगे, जो यहाँ पे आपने जिस भी वेरिएबल से उसको याद किया होगा इस फील्ड को, उसमें वेरिएबल, उस वेरिएबल में यहाँ से वैल्यू सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक ही हो जाएंगे, तो इसकी तो वैल्यू डिटरमिन हो चुकी होगी, तो इसकी भी वही वैल्यू हो जाएगी जब लिस्ट खाली हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं आप मुझे बताएं, ये तरीक़ाकार क्या कहलाता है? ये कहलाता है यूनिफिकेशन। ये खूबसूरती सिर्फ आपको प्रोलॉग में मिलेगी, और इस तरह की जो आपके पास लॉजिक वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें आपको ये खूबसूरती मिलेगी, वरना आपको ये कहीं और इस तरह का सूरत हाल नहीं मिलेगी।
ये है यूनिफिकेशन। देखिए आप, ये सेम वेरिएबल थे कि स्टेटमेंट में, तो दोनों एक ही वैल्यू पर इंस्टेंशिएट हो गए। अच्छा जनाब, तो बहरहाल ये वही है जैसे मैंने आपको समझाया था। अब आइए शुरू करते हैं इसका ट्री। ठीक है, बगैर किसी डिटेल में जाए हुए ट्री खुद बता देगा इस कोड की एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ सूरत हाल के, हमने ये हमारी क्वेरी है। ये क्वेरी जब कॉल होगी नॉलेज बेस में हम जाएंगे तो इस सबसे पहले ये वाला मेथड कॉल होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कॉल इस वजह से नहीं हो पाएगा कि लिस्ट खाली नहीं। तो हम यहाँ आ जाएंगे जी। यहाँ पर जब हम आएंगे तो हम हेड को अलग कर लेंगे, ठीक है, और बाकी जो लिस्ट है वो उससे दोबारा कॉलिंग होगी। लेकिन उससे पहले क्या होगा, न्यू एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो है ओल्ड एक्यूमुलेटर की मदद से डिटरमिन होगी। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये जाके इसको सप्लाई होगी ओल्ड एक्यूमुलेटर को, यानी 0। ठीक है, तो 0 प्लस 1 न्यू एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब ये कॉल होगा दोबारा तो इस लिस्ट में एक एलिमेंट की कमी हो चुकी होगी, बाकी मानदा जो लिस्ट है उसके मदद से कॉल होगा और ये न्यू एक्यूमुलेटर की वैल्यू भी हमने डिटरमिन कर ली होगी, जो जाके वापस ओल्ड एक्यूमुलेटर को मिल जाएगी। और लेंथ हमने वही नाम रखा है जो शुरू से चल रहा है, इस नाम में कोई चेंज नहीं आई है। तो कोई नया वेरिएबल नहीं बनेगा, हर कॉल में कोई नया वेरिएबल नहीं बनेगा, बल्कि वही वेरिएबल जो शुरू से चल रहा है ना, यहाँ पर वही डुप्लीकेट हो रहा है। देखें आप, कोई चेंज नहीं आएगी। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो लिस्ट खाली है तो इस वजह से यहाँ तो हम जाएंगे नहीं, नो। अब ये जो कॉल होगी आपकी एक्यूमुलेटर लेंथ, इसमें क्या होगा, लिस्ट में से एक एलिमेंट निकल चुका है, बाकी जो है ये 20 ही बचा है, और न्यू एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 1। और ये आप देखिए कमाल की चीज, जो आपने शुरू में वेरिएबल दिया था ना, ये वही है, ये अभी तक आपके पास वही है। और यहाँ पर इसने कहा कि एक दफा क्योंकि कॉल हो चुकी है, इसलिए अब हक बनता है कि एक एलिमेंट काउंट हो चुका है, लिस्ट में से एक एलिमेंट निकल चुका है। हम इधर तो गए नहीं है ना, हम तो इधर आए। जब ये मेथड कॉल होगा ना, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले इसको सप्लाई होंगी, फिर ये अंदर जाएगा। ये बात याद रखिएगा, जब मेथड कॉल होगा तो ये चीज जाके इसको जब मिलेगी तो एल की वैल्यू बन जाएगी 20 और हेड निकल जाएगा, 0 जाके असाइन हो जाएगा ओल्ड एक्यूमुलेटर को, और ये वेरिएबल लेंथ इसके साथ बाइंड हो जाएगा, यूनिफाई हो जाएगा। जो भी आपने नाम दिया होगा ना, वो नाम इसके साथ यूनिफाई हो जाएगा। अब अंदर आएगा कोड में ओल्ड एक्यूमुलेटर +1। ओल्ड एक्यूमुलेटर ने क्या चीज कैच की थी, 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 और न्यू एक्यूमुलेटर को वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, और ये एल क्या हो चुका था, एक इसमें से एलिमेंट निकल चुका था, तो एल क्या बन गया था, खाली 20, ये 20 आ गया। और ये लेंथ वही नाम है जिससे आपने इनिशियली कॉल किया था, तो ये नाम और ये नाम एक ही होगा जो इसके साथ बाइंड हुआ, यानी LEN। तो अब आपको मेरा ख्याल है काफी बेहतर यहाँ पे समझ में आया होगा। मैंने ये सोचा था कि ये मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जब कॉल होती है ना, तो ये पैरामीटर इसको जाके असाइन होते हैं कॉल को, फिर अंदर आते हैं। ये बात याद रखिएगा आप, पहले अंदर नहीं आए, पहले ये आर्ग्यूमेंट्स इनके साथ यूनिफाई होंगे, फिर अंदर स्टेटमेंट चलना शुरू होंगे। अब ये दोबारा इसने अपने आप को कॉल किया, पहले यहाँ गया, देखा लिस्ट खाली है, नहीं भी खाली नहीं है, यहाँ आ गया। अब इसमें से एक एलिमेंट आपने निकाल लिया, तो अब इसमें सिर्फ सी बचेगा, एल में अब सिर्फ सी बचेगा। ओल्ड एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू कैच हुई है, 1, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगी 2, न्यू एक्यूमुलेटर की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ सी बचा है। और ये लेंथ वही नाम है जो यहाँ पर है, जो शुरू से चला आ रहा है, तो ये LEN है। ठीक है, तो पहले यहाँ गया तो जवाब आ गया नो, है ना, यहाँ से तो ये नहीं चला। फिर इधर आए तो एक एलिमेंट निकाल दिया तो सी, और ये लेंथ अब 1 प्लस हो गए 2 और ये LEN। अब जब इसमें से एक एलिमेंट निकाल लिया सी, तो अब यहाँ पे जो लिस्ट बची है वो क्या लिस्ट होगी, एम्प्टी लिस्ट होगी। तो यहाँ तो नो आया, अब यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बची, यहाँ पे एल क्या है, एम्प्टी लिस्ट। ओल्ड एक्यूमुलेटर में वैल्यू 2 थी, अब प्लस होके न्यू एक्यूमुलेटर 3 हो गया, और ये LEN वही चलता चला आ रहा है। अब ये दोबारा कॉल हुआ, जब दोबारा कॉल हुआ, वाह भाई वाह, अब तो लिस्ट खाली है, अब ये यहाँ जाएगा, और ये जो 3 है एक्यूमुलेटर में वो इसको भी मिल जाएगा, किसको, लेंथ को। ये क्या कह रहा है कि जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, दोनों सेम को इंस्टेंशिएट होंगे, ये 3 जाके LEN को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर प्रिंट हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल्स टू 3 और फर्दर कॉल नहीं होगी। ये देखें, लेंथ इज इक्वल्स टू 3 और फर्दर कॉल नहीं होगी। ये इसका हमारे पास जो है आप कह लें एक बेहतरीन सोल्यूशन है, यहाँ कोई स्टेटमेंट पेंडिंग में नहीं है, जब आखिर तक पहुंचे तो सब कुछ रिसॉल्व हो गया था। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो आज तक भाई नहीं देखा सी लैंग्वेज में, जहाँ जहाँ हमने एरे की लेंथ मालूम करने के लिए जो भी मेथड्स बनाए, फंक्शंस बनाए, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हम 0 खुद सप्लाई कर रहे हो कि इनिशियली जो है ना वैल्यू 0, ऐसा तो नहीं होता। हम तो बस ऐसे लिस्ट दे देते हैं,
और जहां हमें आंसर रखना होता है वो वेरिएबल बता देते हैं। तो यहाँ पे वो वेरिएबल इनसाइड द पैरामीटर ही है कि भाई इसमें आंसर रख देना, जो भी लेंथ ऑफ द लिस्ट हो एक्स में रख देना, तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये कैसे बनेगा? तो बहुत ही आसान है, इसको कहते हैं रैपर। जैसे टॉफी के ऊपर आप वो चढ़ा देते हैं ना, रैपिंग शीट, तो बस ये रैपर है खाली, अंदर सारा काम वही हो रहा है। ये देखिए हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन का नाम रख दिया लेंथ, इसमें हम लिस्ट देंगे और एक वेरिएबल देंगे जिसमें हमें आंसर मिलेगा। ये मेथड कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ उसी पुराने मेथड को कॉल कर रहा है, एक्यूमुलेटर लेंथ लिस्ट कॉमा 0 कॉमा लेंथ, इसी को कॉल कर रहा है। समझ गए आप? यानी जो हमारी क्वेरी थी ना ये लास्ट, ये सबसे पहले कॉल होगी। रैपर किसको कॉल करेगा? हमारी क्वेरी को, जिसमें हम खुद 0 देंगे। अब ये जाएगा और ये अब इसी को कॉल कर लेगा। तो पहली कॉल हमने यहाँ से शुरू की थी ना, जिसमें हम खुद 0 देते थे, तो वो 0 देना बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो हमने यूजर को जो इंटरफेस दिया है ना, हमने यूजर से कहा बेटा तुम बस ये क्वेरी जो है लिखो, कोई 0 0। और उसको सोचा यार 0 मैं क्यों दूँ, बिना वजह मैं 0 दूँ? तो हमने क्या किया उसको, तो हमने सिंपल दिया कि जिसको काउंट करवाना है वो बताओ और वो वेरिएबल बताओ जिसमें तुम्हें आंसर चाहिए, बस। अंदर क्या हुआ, जब ये हमने क्वेरी लिखी तो ये इसने जब कॉल किया हमारे नॉलेज बेस में गया, तो ये प्रेडिकेट इस लेंथ से मैच हुआ, ठीक है ना। इसने ये लिस्ट को इसमें रखा और ये वेरिएबल को इसके साथ यूनिफाई किया, और इसने कहा बेटा चलो एक्यूमुलेटर लेंथ को कॉल करो दोबारा, लिस्ट के साथ और 0 के साथ और लेंथ, ठीक है। तो ये 0 हमने खुद अपेंड कर दिया, यूजर को इसका कुछ भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। तो वो हमने इसको दोबारा लिस्ट कॉमा 0 कॉमा लेंथ कर दिया, 0 खुद से लगा दिया। अब ये कॉल होगा यहाँ पे जाके, तो ओल्ड एक्यूमुलेटर को खुद ब खुद वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 वैल्यू मिल जाएगी। सर्च ट्री में क्या फर्क आ जाएगा, ये है पॉइंट समझने का। अब हम क्वेरी यूं पूछेंगे, लेंथ लिस्ट दी और जिसमें आपको आंसर चाहिए वो दिया, ये कॉल कर लिया, एक्यूमुलेटर लेंथ लिस्ट 0 और लेंथ। अब ये पूरा ट्री वही सेम ट्री आ गया जो हम पीछे पढ़ते हुए आए। अच्छा, इसको कहते हैं जनाब टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन वो होता है हमारे पास जिसमें जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं वैल्यूज कैलकुलेट होती रहती हैं, और जब आखिरी कॉल आती है ना वहां पर हमें सारी वैल्यू मिल जाती है, वहां पर हमको सारी वैल्यू मिल जाती है। तो वाई इज एक्यूमुलेटर लेंथ विथ 3 बेटर देन लेंथ विद एरिटी 2, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। बिकॉज एक्यूमुलेटर लेंथ विद एरिटी 3 इज अ टेल रिकर्सिव प्रेडिकेट एंड लेंथ स्लैश 2 इज नॉट अ टेल रिकर्सिव प्रेडिकेट, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, इन टेल रिकर्सिव प्रेडिकेट द रिजल्ट इज फुली कैलकुलेटेड वंस वी रीच द बेस क्लॉज। जैसे ही हम एम्प्टी लिस्ट तक पहुंचे लेंथ कैलकुलेट हो चुकी थी, और वहां आपने देखा था लास्ट वीडियो में स्टेटमेंट्स जो थी वो कहाँ पड़ी हुई थी, स्टैक पे वेटिंग में थी कि एक वैल्यू मिलेगी तो वो फिर दूसरे को मिलेगी, फिर दूसरा तीसरे को पास करेगा और फिर सारी कैलकुलेशन होगी। आई थिंक आपको वो याद होगा, देखिए मेरे लेक्चर्स कंटिन्यूटी में होते हैं, ऐसे नहीं कि बीच में से आपने एक उठा लिया और आपको सारी चीज समझ में आ गई, ऐसा नहीं होता। पीछे आपको वीडियो देखनी पड़ेगी नंबर 28, तो ये 29 आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। इन रिकर्सिव प्रेडिकेट्स दैट आर नॉट टेल रिकर्सिव देयर आर स्टिल गोल्स ऑन द स्टैक व्हेन वी रीच द बेस क्लॉज। तो जब हम बेस क्लॉज तक पहुंचते हैं तो स्टिल कुछ स्टेटमेंट्स पड़ी हुई होती हैं स्टैक पर जिनको कैलकुलेट होना बाकी होता है, और टेल रिकर्सिव होता है जहां पे जब हम बेस क्लॉज तक पहुंचते हैं तो एवरीथिंग इज रेडी एंड कैलकुलेटेड। तो ये जो था ना हमारा, आपको याद होगा कि सारी पेंडिंग में स्टेटमेंट जा रही थी, देखें जब लिस्ट खाली होगी तो वैल्यू 0 मिलेगी, वरना हम एक एक एलिमेंट को निकालते चले जा रहे हैं, और न्यू लेंथ जो है वो लेंथ प्लस 1 है, और ये लेंथ तो हमें पता ही नहीं क्या है, ये तो आखिर में जाके जब लिस्ट खाली हो जाएगी तो 0 मिलेगा। 0 की मदद से एक पहली स्टेटमेंट कैलकुलेट होगी, फिर उसकी मदद से दूसरी होगी, वो सारी स्टैक पे जमा है ना। और यहाँ आप एक चीज गौर करें कि यहाँ पे रिकर्शन पहले कॉल हो गया और बाद में ये स्टेटमेंट स्टैक पे पड़ी हुई है। यहाँ पे देखें पहले ये कैलकुलेशन वगैरह हो गई, फिर आपने कॉल रिकर्सिव करी है, यहाँ पहले रिकर्सिव कॉल हो गई, अब ये स्टेटमेंट जो है ना ये स्टैक पे पीछे इंतजार में पड़ी है कि जब इस कॉल से वापसी होगी तो मैं कैलकुलेट होंगी। और बड़ा खूब रहा डिस्कशन, एक्यूमुलेटर लेंथ का भी आपको पता चल गया कि उसका फायदा क्या है, वो टेल रिकर्सिव है तो उसके मुकाबले में फायदा समझ आया, और सबसे बढ़ के रैपर, ये जो रैपर था ना इसने टॉफी की याद दिला दी हमें। जी तो जाइए फिर टॉफी भी खाइए, लेकिन उससे पहले इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब तो किया होगा मेरे ख्याल में चैनल, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप यहाँ वीडियो तक पहुँच गए और सब्सक्राइब ही नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब भी आपने कर दिया होगा। अब शेयर करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल का आइकन अगर प्रेस नहीं किया है तो बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको फौरन के फौरन जैसी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तैयारी शुरू कर दें एग्जाम की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।